जितिया पर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मुख्य तौर से मनाया जाता है। यह पर्व संतान के सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है। इस व्रत के दौरान महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं। जितिया पर्व खास रिपोर्ट। झारखंड और बिहार में जितिया पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें विवाहित महिलाएं अपने संतान की सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत कर रही हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत युद्ध के दौरान पिता द्रोणाचार्य की मौत होने से अश्वत्थामा को बहुत आघात पहुंचा था। वह क्रोधित होकर पांडवों के शिविर में घुस गया और वहां सो रहे 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। मान्यता के अनुसार सभी संतान द्रौपदी के थे। घटना के बाद अश्वत्थामा से दिव्य मणि छीन ली गई थी। अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे को मार डाला। इसके बाद अजन्मे बच्चे को भगवान कृष्ण ने दिव्य शक्ति से पुनः जीवित कर दिया। उस बच्चे का नामांकन जीवित पुत्र का के तौर पर किया गया। इसी घटना के बाद संतान की लंबी उम्र हेतु माताएं मंगल कामना करती हैं। हर साल जितिया व्रत को विधि विधान से पूरा करती हैं। जितिया पर्व का बहुत ही महत्व है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, कल जितिया है। यह पर्व बच्चों की लंबी आयु के लिए मनाया जाता है। पहले हम लोग जितिया का पर्व मंदिरों में जाके सामूहिक रूप से पूजा पाठ करते थे, लेकिन चूंकि कोरोना का काल चल रहा है, हम लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं, इसलिए यह पूजा घर में ही सुरक्षित रह के मनाएंगे और बच्चों की लंबी आयु की भगवान से कामना करेंगे। कल जितिया का पर्व है। जितिया बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। ये हम लोग अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए करते हैं। कोरोना की वजह से इस बार हम मंदिर नहीं जा पाएंगे, तो जिसके कारण से इस बार हम लोग घर में ही सुरक्षित रूप से पूजा करेंगे और अपने बच्चों के लंबी उम्र के लिए दुआ करेंगे। दूसरे दिन हम लोग फास्टिंग करते हैं, वो में हम बच्चों के लिए होता है। एक्चुअली बेटों के लिए ज़्यादातर लोग गाँव में करते हैं, लेकिन अब बेटा बेटी एक बराबर है, इसलिए अब बेटा बेटी दोनों के लिए जितिया किया जाता है। इसे खर जितिया कहते हैं। निर्जला उपवास किया जाता है। अन्न जल कुछ भी नहीं, ढेकार तक नहीं आना चाहिए, ब्रश भी नहीं होता है इसमें, निर्जला एकदम होता है। जितिया पर्व मुख्य रूप से विवाहित महिलाएं अपने संतान के सुख समृद्धि के लिए करती हैं। निर्जला जैसे कठिन उपवास एक माँ ही रख सकती है, ताकि उसके संतान पर कोई विपत्ति ना आए। पर्व के दौरान घर की विवाहित महिलाएं प्रमुख भूमिका होती है। इससे साफ होता है कि जितिया पर्व नारी शक्ति को भी दर्शाता है। सबरंग समाचार के लिए रांची से रुचि शर्मा की रिपोर्ट।